होली और शबे बारात त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि होली पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से आपसी मेल मिलाप एवं भाईचारा की भावना से मनाएं तथा कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। त्योहार में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य किया जाए। त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। शांति व्यवस्था में खलल पैदा करने वालों की खैर नहीं है। जिलाधिकारी ने होली के मौके पर विद्युत एवं जलापूर्ति अनवरत जारी रखने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। सफाई व्यवस्था को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराने हेतु विशेष सफाई अभियान चलाने तथा नाले नालियों से निकाले गए मलबों को अविलंब हटाने के निर्देश नगर निगम को दिए। उन्होंने जुलूस मार्गों की मरम्मत सुनिश्चित कराने तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं नकली दवाओं की चेकिंग व्यापक पैमाने पर करने के साथ ही दोषी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि होली पर्व के अवसर पर शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, कंट्रोल रूम निरंतर क्रियाशील रहेगा, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष सुरक्षा व्यवस्था को स्वयं देख ले तथा सतत निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि चंदा वसूली पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने थानावार शांति समिति की बैठक को आयोजित करने के निर्देश दिए। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि होलिका स्थलों जुलूसों पर पुलिस व राजस्व कर्मियों की ड्यूटी अवश्य लगाई जाए तथा ड्यूटी चार्ट हर हाल में थाना अध्यक्ष मंगलवार तक उपलब्ध करा दे। उन्होंने होली पर्व पर ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। एसएसपी ने कहा कि पूरे जिले में कच्ची शराब नहीं बिकनी चाहिए, इसके लिए थाना प्रभारी अभी से अपनी कार्यवाही शुरू कर दे। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता, अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, सभी एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। किसी भी प्रकार का अश्लील या शराब पीकर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कार्य करने से साल भर सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हर दूसरे दिन उपस्थित लगा के अगर होली का त्योहार खुशियां यही है तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पूरा पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आपके सहयोग के लिए, आपकी खुशियों को ठीक से संपन्न कराने के लिए दोनों त्योहारों को तालमेल से शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सक्षम रूप से निभाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। साल भर के लिए इकट्ठा कर लेना है कि हमने इस त्योहार को इस तरह से मनाया था। कहीं भी अर्बन या रूरल एरिया में होली दहन के स्तर पर किसी भी विकार का प्रभाव है तो उसको समय से निपटा। राजेंद्र, आप क्या कोई विवाद? ये जो समय चल रहा है अब कोई घटना हो गई ना तो बिल्कुल शामिल नहीं हो किसी सूरत में, ये समझ लीजिए। एक पराकाष्ठा होती है, तीन चार जिलों में कंटिन्यूस घटना हुई है, इसको बिल्कुल बंद करा दीजिए। जितना पुलिस चाहिए आबकारी विभाग को ले लें हमसे, पुलिस वाले आबकारी विभाग का सहयोग ले लें। जो आपके ठेके चल रहे हैं शराब के, अंग्रेज शराब, देसी शराब के, उनको भी वही चेक कर लीजिए। स्प्रिट का पता लगा कि स्प्रिट की बॉम्ब बाहर करके ट्रैक्टर भर के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में देसी शराब और अंग्रेज शराब के ठेके से बिके, ठीक है ना? इसको चेक करने की जरूरत है। ये देख लीजिए, अगर कोई ऐसी बात आई तो आप, हम लोग तो क्लियर कर देंगे कि देसी शराब अंग्रेज शराब आप हमें चेक नहीं करने देते पुलिस वालों, ये बिल्कुल क्लियर है। और हम चेक करेंगे भी नहीं जब तक आप लिख के नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं सर पुलिस वाले चेक नहीं करते, जाते नहीं है देसी अंग्रेज शराब में, जाते पुलिस अभी नहीं जाती, तो आप लोग हमसे बहुत मांग में माफ होते थे। लेकिन अगर आपके चीजें भी हम लिखेंगे डीएम साहब, मिलते हैं भाई हमें हमें आपका रिज करेंगे ना, एक बार संस्कृत लिया था तो आप मना कर दिया, फिर हमें उसमें भी भेज दिया था। लेकिन एक चीज़ को आप लोग ले जा लीजिए, अंग्रेजी और देसी शराब के ठेकों पर आपकी जो बन रही है या बिक रहा है गलत तरीके से शराब का, तो एसडीएम साहब देख रहे भाई,
वो सीओ साहब को ले ले साहब, चेक करवा ले जाकर के, पुलिस हमारी आप बुलाओगे तो हाजिर है, नहीं बुलाओगे जबरदस्ती उसमें अकेली जाकर पूछेगी। अंग्रेजी और देशी शराब, कच्ची शराब पकड़ेंगे पुलिस वाले जरूर। देसी शराब की भट्टियों को आपको मॉनिटर करना है, प्रोडक्शन सबसे पहले स्ट्राइक करना है। हर प्रधान इस समय देसी शराब ढूंढ रहा है, बनाने वालों को प्रोत्साहित कर रहा है, चर्चा भी होगा। और जब वो ऐसी दीवारों को पॉलीथीन से कवर करा लेंगे, इन लोगों की भीड़ होलिका दहन वालों की तरफ मुस्लिम जा रहे हैं, तो बीच में पुलिस की भी व्यवस्था हो कि कहीं से कोई असामाजिक तत्व मुस्लिमों पर कोई कमेंट मार दे या मुस्लिम बच्चों में से कोई इन पर कमेंट मार दे तो बवाल हो सकता है। दूसरा, मस्जिदों के इमामों से अगर जो प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता हो जाए धर्म गुरुओं से कि आप अपनी मस्जिदों के धर्म गुरु हैं, आपके पीछे 1500 लोग नमाज पढ़ते हैं, आप अपने माई से अपने नमाजियों को अगर जो बता दें कि होलिका दहन स्थल के पास से अगर जो आपका गुजर हो रहा है तो आप सब्र के साथ और ऐसे हालात बनाए कि अगर जो कहीं से कोई कमेंट भी आ रहा तो आप सब्र कर लें और सब्र के साथ शबे बारात की पूरी रात आपको कुरान का पाठ करना है, कब्रों पे जाना है, मुबारक खान सही हम लोग जाते हैं, नक्कू अली शाह पर जाते हैं, 9 बजे पीर जाते हैं, पूरी रात ये सिलसिला रहता, हर साल रहता। इस बार मुस्लिम समुदाय के नौजवान बच्चे पूछ रहे हैं कि बताइए सलमानी साहब, शबे बारात की रात हम लोग कैसे चौराहों से गुजरेंगे, जब गुलगन वहाँ होगा वहाँ पर जो है होलिका दहन होगा। तो मेरा ये कहना है कि मस्जिद के इमामों से आप लोग गुजारिश कर लीजिए कि इमाम साहब आप काउंसलिंग कर लीजिए अपनी मस्जिद को, अपने नमाजियों की, कि जब आप शबे बारात को निकलेंगे तो आपको इन इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, ध्यान केंद्रित रखना होगा। ये तैयारियाँ अभी से आप लोग कर लें, इसमें पीस कमेटी की बैठक से आप लोग कर लें दोबारा, चौकीदारों की बैठक कर लें, देहात में भी इम्पोर्टेंट है, सिटी की बातें ज़्यादातर वही यहाँ पे जो कि सिटी के लोग ही हैं ज़्यादातर, लेकिन देहात भी इम्पोर्टेंट है। देहात में भी शनिवारा तो होली एक ही दिन है और वहाँ पर भी होलिका है, वहाँ के लोग ज़्यादा उत्सुक होते हैं, शहर में तो फिर भी नियंत्रित होते हैं लोग, और हम लोग सभी लोग यहाँ रहते हैं, फोर्स भी रहती है, तो देहात में भी कोई बात होनी नहीं चाहिए। इसके लिए सभी SHOs अपने देहात के भी यहाँ के चूँकि आए हुए हैं सब लोग यहाँ पे, और SDM साहबान भी है, CO साहब भी है, तो एक तो पीस कमेटी की आप बैठक करें, इसमें जैसे अभी बताया कि इमामों को बुला लें, बात कर लें सबसे कि भाई शबे बारात के दिन किस तरह से आपको बिहेव करना है या बिहेव के लिए लोगों को बताना है, और हिंदू के लोग जो हमारे होली त्यौहार मनाएंगे जो वो लोग भी किस तरह से अच्छा बिहेव कर पाएँ, क्योंकि महिला भी उस समय निकलती है बाहर, और क्योंकि कई चीज़ें शुभ मानी जाती है, उसमें चीज़ होती है, तो आप लोग सभी लोग जो होलिकाएँ हैं जितनी भी थानों में आपकी होलिकाएँ जलेगी उसमें अच्छी तरह से ड्यूटी लगा लें, चौकीदार गांव का जिस गांव में होली है, देहात एरिया के लिए, सिटी के लिए होमगार्ड्स और सिपाही, और देहात में भी सिपाही और होमगार्ड्स की ड्यूटी हर होलिका पर लगी रहनी चाहिए। तो पहला काम ऐसे तो जो CO का होना चाहिए कि कल तक आप लोग ड्यूटी चार्ट तैयार करें कि किस होलिका के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कॉन्स्टेबल और कौन होमगार्ड उस होलिका पर रहेगा, और उसको आज ही से कल ही से ड्यूटी लगाना शुरू कर दें, उसका काम 2 दिन पहले से शुरू हो जाएगी, तो होली ये होली का इस चौराहे की होली आपकी जिम्मेदारी है, उसको तय कर दे, उसको दे दे। आप अगर कुछ ही दिन देंगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा मुझे जाना क्या है, मुझे करना क्या है, वो 2 आदमी को पहचान भी नहीं पाएगा, तो 3 दिन पहले से उसकी ड्यूटी लगा के आपको बता देंगे, तो वो लोग वहाँ के आसपास के लोगों को जो होली का जलाएगा कौन, उसका स्ट्रक्चर है कौन, इन चीज़ों को पहचान कर लेगा, तो वहाँ के लोगों के हिंदू और मुस्लिम लोगों से भी बात कर लेगा आसपास एरिया में कौन लोग हैं, वो होली का स्वच्छ जगह पे है कि नहीं। तो पहला काम आज SHO से जाकर के ये नवीन समझ रहे हो कैंपियन, इसको नोट कर लीजिए भाई, ये मेरे पास जो बैठ जाओ इसको नोट करके मेरे को ड्यूटी चार्ट आपको भेज दें कल तक, कल शाम तक CO के माध्यम से SDM साहब के माध्यम से मेरे पास ड्यूटी चार्ट आ जाए, और SDM साहबान से उनको जो DM साहब भी बताएंगे मोस्ट होली कि आप लोग भी एक एक होलिका में अपना एक प्रतिनिधि लगा दें, रेवेन्यू ऑफिसर हो, लेखपाल हो, चाहे और कोई अधिकारी उस लेवल का हो, उन लेखपालों को और उनको भी सेक्टर्स में ड्यूटी लगा दें, कौन कौन किस होलिका के लिए कौन रेवेन्यू ऑफिसर की जिम्मेदार हो, तो पुलिस और रेवेन्यू का एक एक आदमी हर होलिका पे लग जाए। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश देखेंगे हम लोग वैसे इंक्रीमेंट रेट थोड़ा बढ़ती हुई दिख रही है, और इसी के बीच में हमें त्यौहार भी मनाना है, देखिए त्यौहार मतलब मिलना जुलना है, आमतौर पर ये बीमारी वैसे ही चलता है, उसी की वजह ये लॉकडाउन इत्यादि सारे चीज़ लागू करना पड़ता है, आमतौर पर जो छोटी सी मान लीजिए किसी के मैरिज फंक्शन हो, बर्थडे फंक्शन हो,
कोई जो और कोई हेलीकॉप्टर हो उसी में जो जाने वाले आने वाले लोग टॉप पे निकलते हैं तो कहीं कहीं बीमारी होती है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, देखिए हम तो कोरोना के बीच में हैं, हम भी कोविड में पड़ा था, कितने लोग कोविड में थे, हम लोग 307 जान बचा नहीं पाए, 23,000 लोग हम लोग बचाए या कितने बचा सके और अभी भी है हम लोग कोरोना के बीच में ही काम कर रहे हैं। कि मजबूरी है तो बहुत सारे लोगों का रूटीन में लाना है और कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाही से तो दोबारा वो स्थिति ना आ जाए, ताकि काफ़ी जान जाने के बाद हम लोग सीखे हैं कि स्थिति पर आए हैं। और अभी हम लोग के पास वैक्सीनेशन भी है, आप जानते हैं तो वैक्सीनेशन हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं, पर डे 10,000 लोगों का वैक्सीनेशन तो लगा ही रहे। आपसे प्रथम अनुरोध होगा, आप लोग यदि 7 के ऊपर है, आपके घर पर कोई 7 के ऊपर है, कतई लापरवाही नहीं करते, आप जाकर के 6 दिन सप्ताह में हम लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। यहाँ 135 सेंटर है, प्राइवेट को भी तो हम लोग अनुमति दे रखा, प्राइवेट में 250 रुपया लेते हैं, सरकारी में भी है, केवल आधार कार्ड लेकर जाना होगा, मौके पे ही जाके यदि तो आप ऑनलाइन मोबाइल पे कर देंगे तो सीधे जाकर के आपको वैक्सीनेशन लग जाता है। यदि आपका यदि कंप्यूटर मोबाइल चलाने में दिक्कत है तो फिर आप आधार कार्ड की कापी लेके जाइए, वो पर्याप्त है, वो आपका तुरंत वहाँ रजिस्ट्री करा करके पहले 5 मिनट रुकना पड़ेगा वैक्सीनेशन के बाद, हम लोग 15-20 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखेंगे फिर आपको छोड़ देंगे। इससे 2 वैक्सीनेशन होता है 28 दिन के बीच में, 2 वैक्सीनेशन के बाद ही शरीर में उसका ताकत का शक्ति आता है। ऐसे नहीं, इसमें भी बहुत लोग गलत नहीं है, वैक्सीनेशन लगने के बाद फिर मास्क हटाते हैं, फिर लापरवाही करते हैं, फिर कुछ लोगों को फिर आने की संभावना रहता है, लेकिन 2 डोसेज के बाद ही 90% उसका रिजल्ट रहता है, टीके से रहता है। इसमें मेरा अनुरोध रहता है, इसी महीने हमारा टारगेट 1,12,000 लोगों का कवर करना था, अब तक हम लोग 80,000 लोगों का कवर कर पाए, उम्मीद करेंगे और बाकी लोगों को भी कवर करेंगे। गोरखपुर बड़ा शहर, बड़ा जनपद, वो हम किस स्पेस में कवर कर रहे हैं इसको समय लगेगा, जैसे यहाँ पर तकरीबन 7 लाख जनसंख्या है, अभी अब तक हम लोग 1.5 लाख जनसंख्या के ही कवर कर पाए, अभी एक डोज, दूसरा डोज भी यदि मिलते हुए हम गिनेंगे तो तकरीबन हमारा 40,000 लोग दोनों डोज दे चुके हैं, यानी 7 लाख, इस हिसाब से हमें और 6 महीने लगेगा, धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, तब तक का एक आदमी का लापरवाही भी दोबारा उसी स्थिति पर तो ला सकते हैं। मेरा प्रथम अनुरोध होगा जो भी त्यौहार मनाते हैं किसी भी धर्म का, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो ये वाले सफाई इनों को ध्यान रखें, बिना उसका त्यौहार मनाने के बाद करें हम जो किसका पूजा करते हैं वो भगवान भी नहीं पूजा करते, ताकि लापरवाही अंदर को वजह होगा, हम तो रोज भगवान कहने के मतलब नहीं, हम लोग तो मंदिर में देखें बहुत लोग हम बचा नहीं पाए, बहुत लोग डाकर अपने जान दिए, ऐसे स्थिति में ना आ जाए, इसलिए तो हमेशा कोरोना का कोरोना और ब्लड यानी बुखार तीनों चीज़ से कतई हमें लापरवाही होती है, तीनों चीज़ से लगता है हल्का है जान लेते हैं, तो पहला नंबर इस पर है। दूसरा इस समय में हम मना रहे हैं उस समय में पंचायत चुनाव की है, पंचायत चुनाव तो लगभग आ ही गया है, लोग आरक्षण तो अभी 1-2 दिन में फाइनल कर देंगे, यानी होली मनाते समय में सभी गाँव में लगभग पता चल जाता है कौन है कैंडिडेट, कौन लड़ने वाले हैं, कौन पोटेंशियल लड़ने वाले हैं, पहले से एक तो घटना हो गया अनफॉर्चुनेटली गोरखपुर में चुनाव आरक्षण के पहले ही एक मॉडल हो गया है, बट आगे भी हो सकता है, ताकि होली का हमेशा एक माध्यम के रूप से यूज करते हैं, ताकि उसी माहौल का थोड़ा एकजुट करा करके गुड़वा जो हो जाता है, फिर कभी भी कहीं चिंगारी लग जाता था फिर वैसे बड़ा घटना के रूप से हो जाता है, इसलिए तो खासतौर पर जो जगह कहाँ जो चुनाव का गर्मी ज़्यादा है अभी से वो SDM साहब आपको अभी से पहचानना होगा और वहाँ जगह अलग फोर्स करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, फिर इंटेलिजेंस फोर्स को कैद करना पड़ेगा, वहाँ चौकीदार लगाना है, लेखपाल का लगाना है, कोई ना कोई पिछले बार भी उन्होंने बताया हर मजरे हर गांव में हमारे एक आदमी होना चाहिए था सही सूचना देने वाले, वो भले हमारा चपरासी हो भले सफाई कर्मी हो जो भी हो, पर सरकारी तंत्र का कोई आदमी रहेगा वो आपसे संपर्क में रहेगा, ये बहुत जरूरी है, बिना उसका हम सूचना नहीं कर पाएंगे, ताकि बहुत सारे अफवाह भी आती है उस समय, तो अफवाह से सही सूचना का पहचानने के लिए हमारा आदमी चाहिए, इसलिए तो ये इंटेलिजेंस सोर्स आप क्रिएट कर लीजिए, बिना उसका चुनाव करना मुश्किल होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी इस समय में ट्रेंड चल रहा, तो वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले भी आने मीटिंग में लोगों को बुलाए थे, जो हमें आने के पहले हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रहे थे, ये अवैध शराब एक तो जहरीली शराब का ट्रेंड पड़ी है और काफ़ी रुपये ऐसे जगह बिक्री हो रहा है जो लाइसेंसी दुकान में बिक्री हो रहा है, उसी से प्रतापगढ़ और प्रयागराज में बहुत है जाने चाहिए, और यहाँ भी अवैध शराब का जो मुद्दगंज में नोट कराया राजगढ़ थाने के क्षेत्र में और वहाँ अमृत बाग के आसपास
उसमें तो सख्ती से कार्रवाई करना पड़ेगा, उसमें हम ऐसे लोगों का चिन्हांकन करें ताकि वो जेल से बाहर ना छूटे। केवल सेक्शन 60 एक्सेस लगा करके जुर्माना लगाने में तो फिर बार बार आदमी हो जाता है, वो आदमी उसका ऐसे दाना ही लगाएंगे कि वो बाहर ही ना आ सके। किसी को ऊपर एनएसए लगना पड़ेगा तो ज़रूर लगाइए, ताकि ये गैंग के रूप से ऑर्गेनाइज रूप से चलाते हैं कुछ लोग, ताकि उसके पीछे आप यदि जाएंगे तो 4-5 लोग ही मिलते हैं उसका, बिल्कुल बदमाश देखो लोगों का नाम सामने आते ही उन लोगों का पहचान लें उसके पहले। ये कंपनी इंस्पेक्शन जाए, इंस्पेक्शन एक्साइज अधिकारी और एसडीएम दोनों जाएंगे करें, ये भी निर्देश मिला हम लोग को, वहाँ का लोकल आपका होलसेल और रिटेल दुकानदार के साथ एक मीटिंग कर लीजिए, इसी के बारे में समझा दीजिए, ताकि खासतौर पर डाइल्यूशन के चक्कर पर करते हैं कहीं कहीं जो बॉटल का खोल के उसका बॉटल नंबर बढ़ाने के चक्कर पर और कोई चीज़ मिला लेते हैं उसको पहचान में ना आने के लिए, क्योंकि पानी पिलाने से तो पहचान में आ जाता है, इसलिए तो हमेशा पानी नहीं पिलाते और तो केमिकल डाल देते हैं, कभी वो जहरीली हो जाता है। हो सकता है मेरे अंकल आपने डिटेल तो मीडियम साहब ने डिटेल में बताया आपको, तो उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ मिलाते हैं ताकि वो पहचान में नहीं आते, वो हो सकता है उसे जान नहीं जाएगा बट वो बीमारी हो सकता है, किसी किडनी फेलियर हो जाता है, किसी का वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, ये सारी चीज़ देखने लाएगी। एंड सैम्पल टेस्ट बढ़ना पड़ेगा आपको, एसडीएम साहिबान यदि बुलाएंगे तो एक्साइज इंस्पेक्टर का आना ही पड़ेगा, आपको लिखा पड़ेगा 3 लोग का आपका निगरानी में रखिए, एक एक्साइज इंस्पेक्टर आपके क्षेत्र में आपका आदेश से पालन करते हुए काम करेगा, नहीं है तो हमें लिखित दे दीजिए तुरंत हम सस्पेंड कर देंगे, आपको बात नहीं मानने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर हमें चाहिए नहीं। और दूसरा ड्रग इंस्पेक्टर है, ताकि इस समय में वो भी शिकायत मिल रही है, नकली दवा का भी बहुत सारे शिकायत है, हर जगह रिपोर्ट हो रही है, ड्रग इंस्पेक्टर से जगह जगह सैंपल लीजिए उसको भी चेक कराइए। तीसरा फूड इंस्पेक्टर है, इस समय में खोया का भी ज़्यादा सेल्स होता है, बहुत नकली खोया वापस आता है और वो मिलावटी खोया से बहुत लोगों का नुकसान होता है, वो बड़ा रैकेट चलता है। तीनों इंस्पेक्टर आपका अधीनस्थ रहेंगे, उसकी योजना बनाइए डेली किसको कहाँ जाना है, उनको सुबह बुला लीजिए, नहीं तो पहले एक दिन पहले बता दीजिए फलाना समय में फलाना जगह जाना है, और आप यदि कंपनी इंस्पेक्शन कर लीजिए और अलग टास्क उनको दे दीजिए, डेली फीडबैक लेते रहिए, ताकि आपके क्षेत्र का अंदर का जिम्मेदारी पूरा हुआ एस डी एम के ऊपर, आप ही का जिम्मेदारी लेना होगा। तो साथ साथ जो कहाँ होली का धर्म का जगह है और कोई जो त्यौहार का है आपका सदर बरात का जगह है, ये सभी आपको कंबाइन कराना होगा, हमेशा हम करते हैं करते आते हैं, जैसे हम लोग कप्तान जाते हैं, आप लोग भी आपका पार्टनर के साथ देने, आपके सीओ साहिबान के साथ और तहसीलदार आपके एसओ साहिबान के साथ और तैयार कराते हुए जाएँ, जाते वक्त तो और विभाग को भी जरूर शामिल कर लीजिए, खासतौर पर बिजली विभाग है, यदि आप नगर निगम रहते तो नगर निगम का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपके साथ आएंगे, वैसे बहुत सारे जगह शिकायत मिली उसकी रास्ता का रोड सही नहीं हो, पानी भरा हो, नहीं तो फिर नालियाँ का छोटी हुई हो, जो भी काम करना है नगर निगम बनने से नगर निगम करेंगे, और बिजली विभाग का कोई काम है जैसे कहीं तार गीला है और कहीं साथ सत्र होने की संभावना है, ये सारी चीज़ रिप्लेस करेंगे, इसलिए तो जाते हैं तो फिर अकेले बच जाइए टीम के साथ चलिए।